गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा। दो फाइलम्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कोडेटा अपना स्टार्ट हो जाएगा, यानी ये सारे के सारे नॉन कोडेटा में आएंगे, नॉन कोडेट्स में आएंगे। नॉन कोडेट और कोडेट्स क्या है उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी अपन स्टार्ट करते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो और डर्मा, ये देखो अलग अलग हो गई। इकाइनो का मीनिंग हो गया स्पाइनी, डर्मा का मतलब क्या मीनिंग हो गया स्किन, यानी स्किन है उसके ऊपर स्पाइन्स होंगे, कांटे होंगे, इसी वजह से उसका नाम क्या हुआ इकाइनोडर्मेटा। दैट इज द सेलियंट फीचर और द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इकाइनोडर्मेटा ऑन द स्किन। इसकी जो स्किन है उसके ऊपर आपको क्या मिलेंगे बेटा, स्पाइन मिलेंगे, है ना, कांटे मिलेंगे, छोटे छोटे माइन्यूट एकदम कांटे होंगे, जिसकी वजह से इसको अपन क्या कहते हैं इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। स्टारफिश याद है आपको, है ना, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर एकदम छोटे छोटे स्मॉल माइन्यूट स्पाइन्स होते हैं, इसी वजह से इसका नाम क्या दे दिया अपने, इकाइनोडर्मेटा दे दिया। ठीक है, अब अपन इकाइनोडर्मेटा के जनरल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद स्पेशल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल फीचर्स की बात करें तो क्या होगा, ये एक्वेटिक है, एक्वेटिक में भी कौन सा होगा बोलो, मैराइन होगा। कौन सा होगा, मैराइन होगा। मैराइन के लिए अपने याद किया था, कुछ याद आ रहा है क्या, मैराइन के लिए क्या क्या याद किया था, कौन कौन से मैराइन होंगे बोलो फटाफट। यस, नहीं याद आ रहा है, अपन ने लिखा था कि आपका टीनोफोरा है ना, आपका इकाइनोडर्मेटा और आपका हेमिकोडेटा। टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा, तीनों के अंदर मैराइन हैबिटेट मिलेंगे अपन को। और एक चीज और इसके साथ आप रिलेट कर लीजिए कि मैराइन हैबिटेट जहां मिलेंगे, ये तीन ही मिलेंगे आपको मैराइन के साथ, एक्सक्लूसिवली मैराइन, यानी ओनली मैराइन, बाकी तो सब मिक्सअप है, ओनली मैराइन में ये तीन मिलेंगे, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा। और तीनों के अंदर एक फीचर्स मिलेगा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, यानी जो मैराइन होंगे बेटा, जो समुद्र में रहेंगे ना, कहाँ रहेंगे, समुद्र में रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे। पूरा समुद्र खाली पड़ा है ना, पूरा समुद्र खाली पड़ा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, ओपन स्पेस, यानी अपने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, जो स्पर्म और एग है ना, वो रिलीज कर देंगे और वाटर बॉडी में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आप रिलेट करके याद करें, बात यहाँ तक समझ में आ गई। उसके बाद बात करें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम होता है। जर्म लेयर की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। सिलोम की बात करें तो ट्रियोसिलोम प्रेजेंट होती है, है ना। और क्या हो गया, बाइलेटर सिमेट्री, यस, यहाँ पे कन्फ्यूजन की कंडीशन क्रिएट होती है और इसको आपको विशेष याद रखना है। इसमें क्या होता है कि जब ये लार्वल स्टेज में है उस समय इसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ही एडल्ट हो जाता है रेडियल सिमेट्री मिलेगी। याद रखना बेटा, इकाइनोडर्मेटा जैसे जैसे अपन चल रहे हैं तो बाइलेटरल सिमेट्री आ रही है ना सब में, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। यदि क्वेश्चन आता है कि इकाइनोडर्मेटा के अंदर सिमेट्री कौन सी है, तो आपको एडल्ट की ही बतानी है, और एडल्ट में कौन सी होती है, रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यदि स्पेशली पूछा जाता है कि लार्वल स्टेज के अंदर कौन सी सिमेट्री देखने को मिलती है, तब योर आंसर शुड बी बाइलेटरल, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए, बाइलेटरल होना चाहिए। बात समझ में आएगी ना, यहाँ से थोड़ा सा हटके है, जो चीज़ हटके होती है, यूनिक होती है, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल इसमें क्या होती है, कंप्लीट होती है, माउथ भी होता है और एनस भी होता है, लेकिन स्पेशल फीचर्स इसके अंदर अपन को देखने को मिलेंगे। क्या है, यहाँ पे अपन ने एक स्टारफिश जो एस्टेरिस है ना, उसका एक डायग्राम बनाया, दो तीन डायग्राम्स के थ्रू अपन क्या करेंगे, इसका एंडोस्केलेटन भी देख लेंगे, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी देख लेंगे, और इसके अंदर एक स्पेशल फीचर्स और होता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, है ना। वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, पोरीफेरा वाला नहीं है, वाटर केनाल सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम्स है, है ना। इसको थोड़ा सा अपन अलग तरीके से देखेंगे, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि फाइव इसमें आर्म्स होती हैं, किसमें, आपका स्टारफिश जो होता है फाइव आर्म्स होती है, इसको अपन पेंटावरस कह देते हैं। पेंटा का मतलब मीनिंग क्या हो गया, पाँच हो गया, पाँच आर्म्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, राइट। तो ये अपने 1, 2, 3, 4, 5 आर्म्स बनाई है अपन ने। इसके ऊपर वाली साइड यानी डोर्सल सरफेस के ऊपर एनस होता है,
और वेंट्रल सरफेस के ऊपर क्या होता है, माउथ होता है। यानी यूँ समझ लीजिए, ये यूँ करके चलता है, तो माउथ हो गया इसके नीचे और एनएस हो गया ऊपर। बाय द वे, यदि आप टच कर रहे हैं उसके सरफेस के ऊपर, तो वो माउथ वाला पोर्शन नहीं टच कर रहे हैं, वो कौन सा पोर्शन टच होगा बेटा, एनएस वाला टच करेंगे अपन। बात समझ में है ना? हाँ, तो ध्यान रखें इस चीज़ का, एनएस है वो डॉर्सल सरफेस पे रहेगा। अब इसको अबोरल सरफेस भी कहते हैं। अब ओरल सरफेस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर ओरल यानी माउथ अब्सेंट होता है। जहाँ पे एनएस ऊपर प्रेजेंट होता है उसको अपन अबोरल सरफेस कहते हैं। यानी डोर्सल साइड के ऊपर एनएस होगा और आपकी जो वेंट्रल साइड है उसके ऊपर माउथ होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एनएस था और इधर क्या था, माउथ था। यानी फूड की एंट्री किधर से होगी, इधर से होगी, ऊपर से निकालता रहेगा। कुछ अजीब सा सिस्टम है ना? ठीक है, ये था इसके बारे में। इसकी जो नीचे की जो बॉडी होती है ना, माउथ वाली साइड के ऊपर होती है, यहाँ भी और यहाँ भी, इसमें क्या होता है, स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, बोलो, ट्यूब फिट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्यूब फिट के नाम से जानते हैं। अब ये ट्यूब फिट है, ये कैसे हेल्प करती है? आपकी जो ट्यूब फिट है ना, वो क्या करती है, वाटर जो वेस्कुलर सिस्टम जो आपका है ना, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, कैसे बना होता है ना, बुक की जो लैंग्वेज अपन पढ़ेंगे, पहले अपन डायग्राम को समझें, उसके बाद में आपका पूरे जो लैंग्वेज है वो समझ में आ जाएगी। देखिए, ये अपन एक अलग से डायग्राम बनाया है, या आप यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पे इसमें क्या होता है, एक पोर होता है, होल होता है। ठीक है, अब ये जो होल है ना, वो यहाँ से एक ट्यूब के थ्रू इसकी बॉडी में एंटर करेगा। बात समझ में आ गई? बॉडी में एंटर करने के बाद यहाँ पे सेंटर में एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर्स होगी, यानी वो वाटर वहाँ कहाँ आ जाएगा, रिंग में आ जाएगा। फिर इस रिंग से क्या होगा, अलग अलग जो पांच आर्म्स है ना, वो पांच आर्म्स में चला जाएगा। उसको अपने यहाँ पे बनाने की कोशिश की, इसको ध्यान से देखें। ऊपर सरफेस के ऊपर जो पोर है, यानी वाटर इधर से एंटर करेगा, मोड्रे पोराइट जिसको अपन कहते हैं, मोड्रे पोराइट। नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिस्टम को समझना जरूरी है। मोड्रे पोराइट पोर होगा जिसमें वाटर एंटर करेगा। वाटर यहाँ से एंटर करने के बाद एक ट्यूब के थ्रू बाहर आएगा, कैनाल के थ्रू बाहर आएगा, दैट इज कॉल्ड स्टोन कैनाल। उसको अपन क्या कहेंगे, स्टोन कैनाल कहेंगे। स्टोन कैनाल से आने के बाद एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, रिंग राउंड जैसी स्ट्रक्चर है, तो रिंग कैनाल में वाटर आ गया। यानी सेंट्रल में रिंग कैनाल थी, रिंग कैनाल के अंदर वाटर आ गया। अब रिंग कैनाल आने के बाद अलग अलग फाइव आर्म्स के अंदर यह जाएगा, और फाइव आर्म्स में से इसको अपन क्या बोलेंगे, रेडियल कैनाल बोलेंगे। यानी इस आर्म में आ रहा है तो ये रेडियल कैनाल होगी, इधर आ रहा है रेडियल कैनाल, रेडियल, रेडियल और रेडियल कैनाल। बात समझ में आ गई यहाँ तक? रेडियल कैनाल में आने के बाद एक लार्ज पार्ट होता है, जहां भी अपन एम्पुला की बात करते हैं, इसका मीनिंग वो लार्ज पार्ट होता है। तो लार्ज पार्ट एम्पुला के अंदर ओपन होती है, और एम्पुला से जो वाटर है ना, वो ट्यूब फिट के अंदर आ जाते हैं। किस में आते हैं? ट्यूब फिट के अंदर आ जाते हैं, और ट्यूब फिट से जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है। अब आप यूं समझिए कि रेडियल कैनाल के थ्रू इधर आया, फिर एम्पुला के अंदर आ रहा, एम्पुला के थ्रू इसके अंदर आ गया, और फिर यहाँ से क्या हो गया, वाटर बाहर निकल गया। बोले इधर से वाटर एंटर किया, इधर से वाटर बाहर निकल गया, तो इसको अंदर लाने की बाहर लाने की क्या जरूरत है भाई? इसका मीनिंग कुछ ना कुछ इसका फंक्शन है। ये तो आपका पूरा वाटर वेस्कुलर सिस्टम हुआ, वाटर वेस्कुलर सिस्टम हुआ। अब ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम फंक्शन क्या करता है, देखिए वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या करता है, सॉरी, एक तो क्या करता है, ये जो ट्यूब फिट्स होते हैं ना, वो लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। कैसे लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, कि जैसे इधर से ये वाटर रिलीज करेगा ना, तो ये वाटर रिलीज करने के बाद में क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, वाटर को रिलीज करेगा। तो वाटर रिलीज करने के बाद जैसे ही वहां से वाटर निकल जाएगा, वो सक्शन की तरह काम करेंगे, सक करेंगे किसी भी चीज को, तो ऐसे क्या करेंगे, जमीन पे ऐसे गड़ा देंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, एक तो लोकोमोशन में भी हेल्प करेगा, या कोई वहाँ पे फूड पार्टिकल्स यदि आएगा, तो फूड पार्टिकल्स को भी वो क्या कर लेगा, इन ट्यूब फीड की हेल्प से क्या करेगा, सक्शन क्रिएट होगा तो उसको पकड़ लेगा, पकड़ करके माउथ के थ्रू अंदर ले जाएगा। यानी क्या काम हुआ, लोकोमोशन का भी काम हो गया, फूड को कैप्चर करने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम हो गया, और साथ ही साथ क्या कर लेता है, यहाँ पे गैसेज का एक्सचेंज भी कर लेता है। यानी कितने फंक्शन हो गए, लोकोमोशन में हेल्प करने, आगे बढ़ने में हेल्प करता है, फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और क्या फंक्शन करता है, रेस्पिरेशन का भी फंक्शन ये साथ में कर लेता है। ये आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम हो गया। दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा, यहाँ से समझना उसको वापस। आपका ये मोड्रे पोराइट यानी जो पोर था, पोर के
थ्रू वाटर आएगा एक कैनाल में जिसको स्टोन कैनाल कहेंगे, फिर एक कॉमन चैम्बर होगा जिसको अपन रिंग कैनाल कहेंगे, यहाँ से अलग अलग क्या हो जाएगा डाइवर्ट हो जाएगा जिसको अपन रेडियल कैनाल कहेंगे, और रेडियल कैनाल से एम्पुला में आएगा, एम्पुला से आप जो ट्यूब फिट्स है उसके अंदर आ जाएगा, ट्यूब फिट से वाटर रिलीज कर दिया जाएगा। ट्यूब फिट से जब वाटर रिलीज किया जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे अलग अलग फंक्शंस देखने को मिलेंगे। क्या फंक्शन देखने को मिलेंगे अपन को, लोकोमोशन था, ठीक है, लोकोमोशन के बाद में क्या था, कैप्चर ऑफ फूड, फूड को कैप्चर भी करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट भी करता है और रेस्पिरेशन भी करता है। ये सारे वाटर वेस्कुलर सिस्टम के फंक्शन थे। वाटर वेस्कुलर सिस्टम समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बचा अपना, हाँ, एंडोस्केलेटन की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है कि इसका जो एंडोस्केलेटन है वो कैल्केरियस सेल से बना होता है। कैल्केरियस सेल का मीनिंग क्या है बेटा, देखिए ये डायग्राम विजिबल है आपको, इधर कोने में जो अपन बनाया है, ठीक है, देखिए फिर डायग्राम की तरफ। यही इसी के अंदर यदि इंटरनल स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो ये फाइव जो आर्म्स होती हैं, अपने चार ही बनाई, एक और बना सकते हैं, ये जो आर्म्स है इसके अंदर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना बेटा, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये स्ट्रक्चर कौन किया आपकी बोनी ओसाइकल्स, यानी बोनी ओसाइकल्स, इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जो हर आर्म्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। वो बोनी ओसाइकल्स कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है और उसको एक एंडोस्केलेटन प्रोवाइड करवाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरी। एंडोस्केलेटन का मीनिंग क्या हुआ कि बॉडी के अंदर स्केलेटन सिस्टम है, ठीक है। ये बोनी ओसाइकल्स जो हैं वो एंडोस्केलेटन बनाती हैं जो मेसोडर्मल डेराइव होती हैं। आपने जर्मिनल लेयर्स पढ़ी है ना, जर्मिनल लेयर्स में अपने क्या पढ़ा, एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और एंडोडर्म्स है। कुछ ऑर्गन्स होते हैं वो एक्टोडर्म से जनरेट होते हैं, डेराइव होते हैं, कुछ मेसोडर्म से होते हैं और कुछ एंडोडर्म से होते हैं। तो ये आपका बोनी ओसाइकल्स है वो मेसोडर्मल डेराइव्ड ऑर्गन है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है यानी कैल्केरियस होता है, इसका मीनिंग हार्ड होगा, स्टिफनेस प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन इसके साथ में बीच में अटैचमेंट के लिए क्या होती है, मसल्स वगैरह भी प्रेजेंट होती हैं, ये आपकी मसल्स देख सकते हैं। इसकी सरफेस के ऊपर, बोनी जो सरफेस है उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, ट्यूबरकल के नाम से जानते हैं। ये ट्यूबरकल्स क्या करती हैं, इस सरफेस के यहाँ से निकल करके बाहर आ जाती हैं और बाहर छोटे छोटे स्पाइंस दिखाती हैं। जो छोटे छोटे स्पाइंस दिख रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, ट्यूबरकल ही है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी स्पाइनी नज़र आती है और इसी वजह से अपन इसको क्या कहते हैं, इकाइनोडर्मेटा के नाम से जानते हैं। स्किन के ऊपर स्पाइंस होते हैं, एक्चुअल में जो स्पाइंस हैं वो आपके ट्यूबरकल हैं जो यहाँ से बाहर निकल करके सामने आ रहे हैं। बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं बेटा। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, एक्सक्रीशन इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है, कोई ऑर्गन्स वगैरह नहीं देखने को मिलते। डाइजेशन अपन ने पढ़ लिया, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो इम्पोर्टेंट था वो अपन ने डिस्कस किया, एंडोस्केलेटन के बारे में अपन डिस्कस कर लिया और जनरल जो फीचर्स थे उसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके अंदर एब्सेंट होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, डायोसिस होंगे यानी मेल डिफरेंट होंगे, फीमेल डिफरेंट होंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को रिलेट किसके साथ करना है, मैराइन के साथ करना है, मैराइन ई आ रहा है, इसका मतलब तुरंत स्टार्ट कर दो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। याद रखें मैराइन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डायोसिस यानी सेपरेट सेपरेट होंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, स्पेशल चीज़ अपन ने पहले पढ़ ली है। अब इसके बाद में आप एनसीईआरटी पढ़ लेना, आपको सारी लाइन एकदम क्लियर हो जाएगी, कुछ भी आपको बाहर से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अपन एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, वापस वही एग्जांपल्स अपन को देखने को मिलेंगे, नए एग्जांपल्स अपन देखेंगे, याद आपको उसी तरीके से करना है। एस्टेरिस स्टारफिश, याद रखें स्टारफिश एस्टेरिस, सी अर्चिन इकाइनस है ना, अर्चिन सी अर्चिन इकाइनस, एंटीडॉन सी लिली समुद्र की लिली है, एंटीडॉन कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, ये तो याद हो जाएगा आपको, कुकुम्बर से कुकुमेरिया, ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार भंगुर टूट जाती है जल्दी है ना, तो ब्रिटल स्टार, ओफ्यूरा स्टारफिश एस्टेरिसिस सी कुकुम्बर कुकुमेरिया सी लिली एंटीडॉन और सी अर्चिन इकाइनस, याद हुआ, ठीक है। एस्टेरिसिस स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार, ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ योर इकाइनोडर्मेटा। ये सारे एग्जांपल्स आपके इकाइनोडर्मेटा के अंदर देखने को मिलते हैं।
नाउ अब अपन बात करते हैं हेमी कॉर्डेटा की। हेमी का मीनिंग क्या हुआ? आधा। हेमी का मीनिंग आधा यानी हाफ। कॉर्डेटा यानी बेचारा क्या हुआ, बहुत बुरी हुई इसके साथ। क्या हुआ कि आधा कॉर्डेटा है यानी कुछ करेक्टर्स कॉर्डेटा में थे, यानी पहले एक्चुअल में कॉर्डेटा के अंदर ही था लेकिन बाद में इसको लात मार करके बाहर निकाल दिया गया। बाहर क्यों निकाल दिया गया कि इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स थे जो एडवांस में शामिल करने वाले जैसे नहीं थे। तो बोला तू नॉन कॉर्डेट में ही ठीक है, तू नॉन कॉर्डेट में चला जा। लेकिन बोला मेरे पास थोड़े बहुत तो करेक्टर्स आपके जैसे ही मिलते हैं भाई, तो मुझे शामिल कर लो। बोले शामिल तो नहीं करेंगे हम, तुम्हें हमारा थोड़ा सा नाम दे देंगे ताकि लोग तुझे जाने कि हमने तेरे को लात मार के बाहर निकाला है, है ना। तो उन्होंने का नाम अपने क्या दे दिया, हेमी कॉर्डेटा। यानी कॉर्डेटा के अंदर कुछ करेक्टर्स कॉर्डेटा के थे जो बाद में उन्होंने सेपरेट कर दिया, उसको हेमी कॉर्डेटा के अंदर डाल दिया यानी नॉन कॉर्डेट्स के अंदर डाल दिया। क्या फीचर्स हैं उसको अपन देखते हैं। हेमी कॉर्डेटा, उसको कॉर्डेटा से अलग कर दिया गया, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर रख दिया गया। नॉन कॉर्डेट्स में हेमी कॉर्डेटा को रखा, तो इसके बारे में अपन बात करें तो हेमी कॉर्डेटा ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल फीचर्स इसमें देखने को मिलेंगे। एक्सक्लूसिवली मेराइन है जिसके बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है, और मेराइन भी क्या होता है, ये एकदम सेलो एंड पे प्रेजेंट होता है। सेलो एंड समझते हैं यानी सॉरी मान लीजिए ये आपकी वाटर बॉडी है यानी मेराइन है, तो सीज और ओशंस के अंदर रहेगा, और सीज और ओशंस के अंदर भी उसका जो बॉटम वाला सरफेस है ना, पेंदा जहाँ पे है, जहाँ पे सोइल है ना, वहाँ पे रहता है। बोले सोइल में भी नहीं रहता है, ये सोइल में भी क्या करता है, एक बर्रो बना के रहता है। बर्रो समझते हैं ना, गुहा या गुफा क्या बोलते हैं आप, जो भी इसके अंदर यू टनल होती है, यू टनल बना लेता है ऐसे, है ना, ऐसा टनल बनी होती है। टनल समझते हैं ना, गुफा सुरंग जो भी आप कहते हैं। तो इस टनल के अंदर ये क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी एकदम नीचे की तरफ रहता है, नीचे रहता है। और रेयरली ये क्या करता है, बाहर आता है, रेयरली बाहर आता है। स्पेशल इंपॉर्टेंट थिंग्स है, बुक्स के अंदर तो नहीं है लेकिन एक इंटरेस्टिंग स्टोरी इसके लिए है कि ये मुश्किल से ही क्या आता है, बाहर आता है, सब कुछ काम यही कर लेता है। बोला सारा काम यही कर लेता है, हाँ। बोले इसके अंदर क्या होता है, जनरल बॉडी फीचर्स की बात करें तो सारी वही चीज प्रेजेंट होगी उसके अंदर। क्या होगा, वही ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एलिमेंट्री केनाल कंप्लीट होगी, माउथ से लेकर के एनस तक होगा, है ना। क्या बच गया, सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी, वो सारी कॉमन फीचर्स देखने को मिलेगी, ठीक। स्पेशल फीचर्स इसका है, ये वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं, वर्म लाइक एनिमल्स यानी वही कीड़े वगैरह जैसे होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करें तो फर्स्ट पार्ट इसका प्रोबोसिस होता है, जिसमें प्रोबोसिस ग्लैंड होती हैं जो किसका काम करती हैं, एक्सक्रीशन का काम करती हैं। इसके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेशन का काम करते हैं, सॉरी। ये सेकंड पोर्शन कॉलर वाला फंक्शन होता है, पोर्शन होता है, ये ट्रंक होता है, और पीछे की तरफ टेल होती है यानी माउथ और एनस का ये फंक्शंस करती हैं, ठीक है। अब अपन बात कर रहे थे कि ये टनल के अंदर रहता है तो ये कभी बाहर नहीं आता है, बाहर आने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन क्या है कि एक्चुअली इसको अपन फिल्टर फीडर भी कहते हैं, टर्म है फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर क्या होता है, जब ये वाटर इसके अंदर एंटर करता है, वाटर अंदर एंटर करता है तो ये क्या करता है, वाटर के साथ जो भी प्रोटोजोन्स या फाइटोप्लैंक्टन, जो प्लैंक्टन, जो भी स्मॉल एनिमल्स आएंगे ना, उसको क्या करेगा, फिल्टर कर लेगा, और वाटर को तो वापस बाहर निकाल देगा, और इसके लिए इसका जो फूड होगा वो उसको एनगब कर लेगा, अंदर डाइजेशन कर लेगा। ऐसे वाटर के साथ में भी, ऐसे ही सोइल के साथ में भी, सोइल एंड वाटर ऐसे ही सोइल को खाता है, तो जो सोइल होती है उसको तो वापस बाहर निकाल देते हैं, वर्मिंग क्या बोलते हैं उसको, कास्टिंग काउज के नाम से जानते हैं, है ना, वो तो यहाँ पे बाहर रिलीज कर देता हो। उस सोइल के अंदर जो भी उसका फूड होगा उसको वो क्या कर लेगा, यूटिलाइज कर लेगा। कहने का मीनिंग ये हुआ कि सोइल और वाटर को फिल्टर करके ये क्या करता है, फीडिंग करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फिल्टर फीडर। इस वजह से अपन उसको फिल्टर फीडर कहते हैं। ये वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं यानी कीड़े जैसे ही होते हैं, स्मॉल एनिमल्स को एज ए फूड यूटिलाइज करते हैं। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन इसमें किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है, तो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन है तो इसको बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देर विल बी नो रिक्वायरमेंट टू कम आउटसाइड द वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज के बाहर आने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि गिल्स होते हैं, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर लेगा।
प्रोबोसिस वाला पोर्शन है उसमें ग्लैंड्स होती है जिसको प्रोबोसिस ग्लैंड कहते हैं, वो किसका फंक्शन करती है, एक्सक्रीशन का फंक्शन करती है, एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती है। ठीक है, तीन मेन पार्ट इसके बॉडी के अंदर देखने को आपको मिलेंगे, प्रोबोसिस, सेकेंड कोलर पार्ट और द थर्ड ट्रंक पार्ट। ठीक है, इस लास्ट पार्ट को अपन लिखा नहीं है, टेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया। सर्कुलेशन की यदि अपन बात करें तो सर्कुलेशन इसके अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेशन होता है बेटा। ओपन का मीनिंग क्या हुआ, वही हार्ट डायरेक्टली इसको पंप करेगा और सारे ऑर्गन्स है उसके अंदर वो क्या करेंगे, बाथिंग करेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू हो गया, एक्सक्रीशन ग्लैंड्स के थ्रू हो गया, प्रोबोसिस और एक्सक्रीशन हो गया ना, इसके थ्रू हो गया। सर्कुलेशन की बात करें तो ओपन टाइप का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशंस आपको देखने को मिल नहीं मिला, आपने जो हेमिकोडेटर से पहले इकाइनोडर्मेटा जो पढ़ा वही मिलेगा, डायोसियस रहेंगे। अब नीचे टनल में रह रहे ये बाहर निकलेगा ही नहीं, बाहर नहीं निकलेगा तो क्या करेगा, अपने जो मेल गैमेट है वो क्या डाल देगा, वाटर बॉडी में डालेगा। किसी दूसरी टनल के अंदर कोई फीमेल है तो वो अपनी एग डाल देगी, दोनों घूमते घूमते कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यानी फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। अभी अपन ने बात की थी कि मेराइन का मीनिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो ये एक्सक्लूसिवली भी मेराइन होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसके अंदर हो जाता है। और क्या बचा इसके अंदर, डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसके अंदर देखने को मिलता है, डायोसियस होते हैं यानी सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। इसमें यही सब कुछ था, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। एग्जाम्पल की बात करें तो बेलन ग्लोसस आता है और एक आपका दूसरा सेकोग्लोसस आता है, यानी बेलन ग्लोसस और सेकोग्लोसस ये इसके एग्जाम्पल्स आते हैं। राइट, इसके बारे में यही था। आपको स्पेशल फीचर्स क्या याद रखना है कि एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं, सेलो एंड के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, वही बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसेलोमेट और कंप्लीट एलिमेंट्री केनाल होती है, माउथ से लेकर के एनस तक होती है। तीन इसमें मेनली बॉडी पार्ट्स देखने को मिलेंगे, प्रोबोसिस मिलेगा, कॉलर मिलेगा, ट्रंक मिलेगा, लार्ज ट्रंक होती है, दोनों के बीच में कॉलर होता है और फ्रंट पार्ट प्रोबोसिस होता है। प्रोबोसिस में क्या होती है, प्रोबोसिस ग्लैंड्स होती हैं, प्रोबोसिस ग्लैंड्स हेल्प इन द सिक्रेशंस, प्रोबोसिस ग्लैंड्स है वो किस में हेल्प करेगी, सिक्रेशंस में हेल्प करेगी। ठीक है, और आपकी गिल्स होती हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, रिप्रोडक्शन में डायोसियस होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ये सब कुछ फीचर्स थे जिसके बारे में अपन डिस्कस कर लिया है, और स्पेशल फीचर्स इसमें बाकी कुछ भी नहीं है। तो हेमिकोडेटा है सबसे अभागा एनिमल्स का एक फाइलम रहा होगा। पहले क्या था कि कोडेटा जो फाइलम था उसके अंदर सब फाइलम्स बना करके हेमिकोडेटा को डाल दिया था, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया अपन ने, अलग कर दिया और एक अलग ही फाइलम बना दिया नॉन कोडेट्स के अंदर। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आपका हेमिकोडेटा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे कोडेटा। अब देखा जाए तो लास्ट आपका क्या बचा है, कोडेटा बचा है। कोडेटा लंबा होगा, कोडेट्स को अपन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, उसके डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके फर्दर क्लासेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए तैयार रहे। इससे पहले ये आप यूँ समझ लीजिए कि आपका नॉन कोडेट कंप्लीट हो गया, ये सारे जो थे वो नॉन कोडेट्स के अंदर थे, अब जो आएंगे वो किस में आएंगे, कोडेट्स के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले जब लेक्चर अपन स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले अपन डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में नॉन कोडेट्स में क्या फीचर्स थे और कोडेट्स के अंदर क्या फीचर्स थे, दोनों को अपन ने कैसे सेपरेट किया है। राइट, थैंक यू।